सर्वाधिकार का जिक्र करे और भी का जिक्र करे सर्वाधिकार जिक्र करता है क्योंकि हमारा दो दिन शुरू कर लिए है तो एक कुछ हिस्सा में कई किताब की हिदायत है हजरत फातिमा मासूमा का नाम लाया है सर्वाधिकार ने इंसान की हिदायत को अपनी तरफ से नुमाइंदों को भेजा क्योंकि खुदा जानता था कि इंसान सब कुछ कर सकता है लेकिन अपनी हिदायत नहीं कर सकता क्योंकि हिदायत का ताल्लुक इंसान के बातिन से है। इंसान जाहिरी तरक्की कर सकता है, जाहिरी चीज़ों को बना सकता है अपने आराम के लिए, लेकिन अपने बातिन को बेहतर करने के लिए उसे उसकी ज़रूरत है जो उसके बातिन से वाकिफ है। इसीलिए परवरदिगार ने कुरान के अंदर जो है जो अंबियाओं को भेजा तो उनके जो काम हैं उन कामों में जो आप सुबह जुमा भी पढ़ते हैं और सुनते भी हैं तो और जो रखी हुई ताकि उनका तस्किया करे वो उनको पाक करे उनको साफ करे। दुनिया की कोई भी लेबॉरेटरी टेस्ट या वैक्सीनेशन इंसान के बातिन को साफ नहीं कर सकता। आपकी ज़ाहरी बीमारियां दूर हो सकती हैं लेकिन बातनी बीमारियां इसीलिए परवरदिगार ने कुरान में ब्लड प्रेशर शुगर कैंसर को बयान नहीं किया। परवरदिगार ने कुरान में मुनाफिकत को हसद को और ये जो बीमारियां बातन से ताल्लुक़ रखती हैं जिक्र भी उन्हीं बीमारियों के लिए। अब जाहिर है ये वही कर सकते थे जो अल्लाह की तरफ से नुमाइंदे थे और अल्लाह ने अम्बियाओं को भेजा आइमा को भेजा और आइमा की बात भी सिलसिला बहरा जो है वो औलिया उलमा ने इन कामों को आगे की तरफ बढ़ाया। मासूमीन का दर्जा आपके सामने है कि इस्मत के दर्जात है, अम्बियाओं की इस्मत है, आइमा की इस्मत है और इस्मत जो होती है वो इख्तियारी होती है, ज़बरदस्ती नहीं होती है। अगर ज़बरदस्ती किसी को किसी काम से रोका जाए और वो काम ना करे तो कोई कमाल नहीं है। आप एक शख्स को बंद कमरे में रख दें, पहाड़ों पर रख दें और फिर उसको बोलें कि ना ये आँखों से गुनाह करता है ना ही कोई ज़बान से गुनाह करता है तो कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है कि जब वो माशरे में रहे और वो अगर अपने आप को कंट्रोल करे तो फिर कमाल है। इसलिए इस्मत जो है वो इख्तियारी है। आप भी इस्मत के कुछ दर्जात पर हैं। मिसाल के तौर पर आपको बोला जाए पांचवी मंजिल से कूद जाए तो आप नहीं कूदेंगे। क्यों नहीं कूदेंगे? आपको पता है नुकसान हो रहा है। तो आप भी इस मामले में मासूम हैं। इसीलिए जब रुतबे बढ़ते चले जाते हैं तो इस्मत बढ़ती चली जाती है। मैं अपनी बात करूँगा, मैं गलती करता हूँ, कोताही करता हूँ या कोई गुनाह करता हूँ तो क्योंकि मुझे उस गुनाह के अंजाम की खबर नहीं होती तो इसलिए मुझसे गुनाह हो जाता है। लेकिन अल्लाह के वलियों को गुनाह आग की तरह नजर आ रहा होता है। वो दर्जात जितने बढ़ते जाते हैं मामला तब्दील होता है। 14 मासूमीन के अपने दर्जात हैं लेकिन उसके बाद कुछ हस्तियां ऐसी हैं अहले बैत में जिन्हें परवरदिगार ने ये दर्जात अता किए। उनके मकाम पे कोई नहीं पहुंच सकता लेकिन उनके बाद दर्जात हैं कि जो मासूमीन ने खुद उनकी तालीम फरमाई और वो उस दर्जात पे पहुंच चुके हैं जिनमें से बहरहाल ये एक खातून की जिनका मैंने आपको जिक्र किया कि हज़रत फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा ये उस दर्जे पर है कि जो 14 मासूमीन के बाद के दर्जे हैं जिनमें खुद हज़रत अब्बास सलाम का दर्जा, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का दर्जा, जनाब अली अकबर को भी ये वो दर्जात हैं कि जो उन्होंने कस्ब किए हैं हासिल किए हैं। वरना औलादें और भी थी, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलादें बहुत थे लेकिन एक बेटा इमाम है और एक खातून उनकी बेटी उस मकाम पर है जिनके लिए खुद मासूम कह रहे हैं या फातिमा इश्वेली फिल जन्ना। फातिमा की मासूम ये ज़ियारत पढ़ते हैं आप, खुदा करके हम सबको
बीबी मासूमा की ज्यारत नसीब फरमाए। जब आप ज्यारत पढ़ते हैं, ये जो ज्यारत का टेक्स्ट है ये मासूम ने तालीम दिया है, यानी खुद इमाम रज़ा अलैहि सलाम ने ये पूरा टेक्स्ट जो है वो बताया है कि आपको ज्यारत कैसे पढ़नी है। उसी का जुमला है, या फातिमा इश्वई ली फिल जन्ना, ए फातिमा जन्नत में हमारी शफात कीजिए। शफात का ताल्लुक जन्नत में, जो अमूमी तौर पर हम शफात किस लिए कहते हैं कि जब हम रोज़े महशर खड़े होंगे और हमारे अकाउंट जीरो हो चुके होंगे, कुछ भी नहीं होगा हमारे हाथ में, तो फिर हम कहेंगे कि शाफी महशर हूँ, खुद रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारी शफात करें, आइमा शफात करें, ताकि हम जन्नत में जा सकें। लेकिन जन्नत के अंदर भी इतने दर्जात हैं कि वहां भी शफात की जरूरत है, तो वहां पर ये खातून शफात फरमाएंगी। आप सोचें कि कितना बड़ा दर्जा है उनका। खूब ये दर्जात ऐसे नहीं मिलते, जाने वाले में कुछ गुजारिशात है ताकि हम अपनी जिंदगी में देखें कि हम उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें। अहले बैत खासतौर पर आइमा के बहुत सारे ऐसे फजाइल हैं कि उनकी जिंदगी पूरी फजाइल है, आप जितने भी बयान करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे फजाइल हैं कि हम बयान करते नारा तो लगा सकते हैं लेकिन अमल नहीं कर सकते। बहुत सारे फजाइल हैं तो मौला अली अलैहि सलाम ने दरे खैबर को दो उंगलियों से उखाड़ दिया, ठीक है। अब ये इमाम के फजाइल है जो हम बयान करते हैं, लेकिन हम इसको अमल नहीं कर सकते क्योंकि हम वहाँ हैं नहीं। मगर वहाँ एक और फजीलत मौला अली की है कि रात की तारीकी में 1000 रकात नमाज पढ़ना है, तो ये इमाम की फजीलत है। तो ये वो फजीलत है कि जिसको आप 1% तो कर सकते हैं। 1000 का 1% कितना होता है? 10 रकात। एक वितर मिला दें तहज्जुद की नमाज पूरी हो जाती है। तो ये वो फजीलत है कि जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। मासूमा की जिंदगी की कुछ चीजें हैं कि जो उलमा से हमने सीखी हैं, और आज साहब भी आपकी खिदमत में है कि जो वहाँ रह आए हैं बीबी के घर से, तो चंद फजीलत है कि तक हम देखें कि क्या हम उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो हम उसको कैसे करें। पहली फजीलत जो उलमा बयान करते हैं वो ये है कि बीबी का जो मकाम है ये क़ुर्ब इलाही की वजह से है, यानी अपने आप को खुदा के करीब करने से ये मकाम मिलता है। अब क़ुर्ब इलाही किसको कहते हैं, करीब कैसे हो, मतलब खुदा जो है वो कहीं है कि हम वहाँ जाएं, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर कहीं है? नहीं, खुदा कोई, खुदा को फिजिकल तो है नहीं कि आप उसके पास जाएं, खुदा किसी मकान में तो है नहीं, तो फिर खुदा कहाँ है कि हम उसके करीब जाएं। तो देखो मैं मौलाना साहब की तरह धुआंधार तकदीर तो कर नहीं सकता माशाल्लाह सलामती थे, तो बहरहाल वो मैं बाहर से जब आया मैंने बाहर सुना, मैंने कहा भाई यहाँ तो खतीब बहुत खतरनाक है, हमारा तो शायद मुश्किल है यहाँ मामला चल पाए। तो जनाब मोहतरम, अब ये कुर्ब कैसे हासिल हो, तो खुदा का पता हो तो इंसान करीब जाए। खुदा कहाँ है? तो इंसान ने कभी अपनी जिंदगी में सोचा खुदा कहाँ है? जहन में ख्याल है खुदा तो हर जगह है, खुदा तो, अगर खुदा हर जगह है तो क्या मुझे इसका एहसास है कि खुदा हर जगह है? आपके कैमरे लगे हुए हैं, सिग्नल माशाल्लाह आपके शहर में अच्छे खासे हैं, दोपहर से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप सिग्नल तोड़ नहीं सकते, क्यों? कैमरे लगे हुए क्यों? क्योंकि आपको एहसास है कि कैमरा लगा हुआ है, मारिफत है, नॉलेज है, नजर आ रहा है या सुना हुआ है, जिससे सुना है उसकी बात पे यकीन है। आप क्या कहते हैं, मैं सिग्नल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन खुदा के वजूद का एहसास। मैं आपको नहीं, मैं खुद अपने आप नहीं, फरमाते हैं अगर तुम्हें खुदा के वजूद का एहसास हो जाए तुम कभी भी गुनाह नहीं करोगे। एहसास हो जाए, कुरान क्या इरशाद फरमा रहा है खुदा के लिए, खुदा कहाँ है? कुरान कह रहा है
खुद खुदा कह रहा है कुरान में, मैं तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा नजदीक हूँ, यानी मैं तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे नजदीक हूँ, मैं करीब हूँ। वायरल हजरत मूसा गए, आज कोई आयाम चल रहे हैं और बड़े मानवीय तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट दिन है ये, पहली ज़कात से 10 दिन है, 40 दिन जो है, 40 दिन जो चिल्ला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंसान अगर अपने तरबियत करे तो इन 40 दिनों में एक मकाम पे पहुंच सकता है। कि वहां पर हजरत मूसा ने कहा कि मैं मतलब मैं देखना चाहता हूँ, खुदा ने कहा लन तरानी, तुम नहीं देख सकते मुझे। लेकिन बहरहाल हजरत मूसा जो थे वो बहुत मोहब्बत खुदा के साथ, और खुदा ने भी हर बात मानी हजरत मूसा की, लेकिन उसमें वो चले गए था ना, खुदा शहरत से ज्यादा करीब है। खुदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या इशारा फरमाते हैं तो अल्लाह अंता हो जो तुझे परवरदिगार न देख सके, जो तुझे ना देख सके, वो कैसे देखूं मैं? ये कुरबत, और जिसको ये कुरबत मिल गई उसको खुदा कहाँ ले जाता है? आपके सामने नहीं लिया, ये मकाम आसान नहीं है कि इतना बड़ा मकाम एक खातून को मिल जाए कि जिसके लिए 3 मासूम रिवायत बयान करें जिसका नतीजा एक ही हो। 3 मासूमों ने मुख्तलिफ टेक्स्ट ऊपर नीचे करके, छठे इमाम ने, आठवें इमाम ने, नवें इमाम ने, जो है वो इनकी ज़ियारत के लिए एक ही तरह का टेक्स्ट बयान किया है। पहला जो हदीस जो आपकी खदमत में आप सुनते भी रहते होंगे कि पहली जो रिवायत है वो बीबी मासूमा की विलादत से पहले है, कि जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इमाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का हरम जो है वो मस्जिदुल हराम खाना काबा है, माशाल्लाह बहुत सारे लोग आज की तरफ भी रवा रवा हैं, और हमारे रसूल का हरम, हमारे जद का हरम मदीना मुनव्वरा है, और हमारे जद अमीर अल मोमिनीन का हरम कूफा है नजफ, और हम सब अहले बैत का हरम कुम है, सब अहले बैत। काला इमाम सादिक है जाने मोहतरम, क्योंकि हम पहचाने नहीं इमाम को, सादिक यानी सच्चा, यानी हम सब अहले बैत का हरम कुम है, और बहुत जल्द हमारे खानदान में एक बेटी पैदा होगी जिसका नाम फातिमा होगा, और वो कुम में दफन होगी, और जो उसकी मारिफत के साथ ज्यारत करेगा जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो जाएगी। ये इमाम ने उनकी पैदाइश से पहले ये कहा। अब आप देखिए कितनी अहमियत है उस खातून की, कि तमाम अहले बैत वहीं आ गए हैं, और ये वैसे ही इमाम ने नहीं कहा कि आप बोले इमाम ने कह दिया होगा कि ना, अगर वो इमाम अदल का इमाम है, इमाम ने ऐसे को हमारी तरफ खुताबत के जुमले नहीं है कि आपको कह दिए, और उसके बाद जब मासूम ने जो टेक्स्ट दिया है ज्यारत का, उसमें भी जब आप मासूमीन को शुरू करते हैं ज्यारत, वहां पर जो अरबी के अंदर जो सीधा है मुखातिब का है, यानी सामने जब आप पढ़ते हैं ना कि मतलब किसी की ज्यारत, तो जो सिर्फ जिसका हरम होता है उसको मुखातिब करते हैं, बाकी सब जो है वो गैर हाजिर होते हैं, तो वहां पर जैसे ही अहले बैत शुरू होते हैं वहां पर वो अरबिक का सीधा जो है वो चेंज हो जाता है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मेरा सलाम हो या रसूल अल्लाह, सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन, यानी अमीर अल मोमिनीन आपको मेरा सलाम, यानी सारे मासूमीन के लिए वहां सलाम पेश किया जाता है। ये मकाम आसान मकाम नहीं है। ये उलमाए इकराम बयान करते हैं कि कुम को एक नूर ने घेरा हुआ है, और वो अहले माना को नजर आता है, और हरम ने वो अमल किया है कि आपके सामने कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े महाराजे, बड़े बड़े औलिया उस हरम ही से बाहर निकले हैं, उस हरम ने ही पहचान दी है, कोई पहचान नहीं थी। मेरे जैसे हकीक तालिबे इल्म की, जिसे कुछ भी नहीं आता,
कोई हैसियत नहीं है, ना कोई मकाम है, ना कोई इल्म है, कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि उनके दर पर कुछ अरसे नौकरी की है और उनके हरम की खाक है कि जो पूरी दुनिया में इसी इज्जत को लेकर फिर रही है। ये कमाल उस हस्ती का है, यानी आप देखें कि उस हस्ती को किस तरीके से जो है। फिर एक रिवायत है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, इसमें से 3 जो है वो कुंभ की तरफ खुलते हैं, यानी ये यानी जितनी कुर्बत हुई मामला उतना बढ़ता चला जाएगा। तो हम भी अपने आप को जाने मोहतरम खुदा के करीब करें। इंसान है, गलती होती है, कोताही होती है, वो इंसान है, लेकिन फौरन जल्दी करें। किस में अस्तग़फ़ार में, जितना आप शर्मिंदा होंगे खुदा की बात सामने, उसका मतलब है कि खुदा ने आप पर नजर रखी हुई है। अगर इंसान गुनाह कर 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 उसका दिल सख्त हो जाए और उसे एहसास ही ना हो कि वो गुनाह कर रहा है, उसे एहसास ना हो वो कुछ गलत काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि खुदा ने उसे छोड़ दिया है। अगर आपको कोई मुश्किल आती है, आपको कोई परेशानी आती है, खुदा चाहता है आपको संभाले, खुदा आपको रोके। आपकी ज़िंदगी में बीमारी आती है, आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल मुश्किल आए, आपकी ज़िंदगी में रिश्तों में मुश्किल आए, समझ ले कि कोई ना कोई गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गलती है। खुदा चाहता है मेरी लगाम को सीधा करे, वरना छोड़ दो, आगे बढ़ दीजिए, छोड़ दे, आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन नहीं, खुदा अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है। जाने वो रहमान है, वो रहीम है, वो बिल्कुल नहीं चाहता। हजरत नूह आप जानते हैं कि कितने 950 साल तबलीग की, और इतना लोग तंग करते थे कि हर रोज लहू लुहान हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। बहुत तबलीग की मगर थोड़े से लोग, खुदा की बारगाह में कहा परवरदिगार अजाब जो है वो मांग, खुदा ने फिर भी अजाब को डिले किया, टूल दी उसको। बाद मासूमीन से रिवायत है कि खुदा ने जो है वो खजूर के लिए बीज दिए, इसको वो जब ये दरख्त बने, जब ये फल आए तब हम अजाब देंगे, और उसको कई साल लग गए। जब फल आया कहा कि इसकी उसको भी खाओ और फिर इसकी गुठलियों को दोबारा डालो, और ये कई दफा सिलसिला चलता रहा। फिर खुदा ने डिले किया कि नहीं नहीं, फिर आखिरकार भरल अजाब जब आया, पानी, फिर किश्ती कहते हैं लग गई किनारे पे गुफा में जहाँ पर रोकी, तो फिर परवरदिगार ने हजरत नूह से कहा कि ये जो रेत है इससे कुछ कच्ची चीज़ों से कुछ बर्तन बनाए या कोई चीज़ बनाए, तो उन्होंने कुछ बनाया, जब वो सूख गए तो कहा नूह इनको तोड़ दो। कहा परवरदिगार मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, तो कहा नूह हमने भी अपनी मखलूक को बड़ी मोहब्बत से बनाया, खुदा रहमान हम खताकार हैं, हमारी तो उसका दरवाजा खुला हुआ है, 24 घंटे खुला है, 24 घंटे उसका दरवाजा, मजे हमारी मस्जिदों हमारे इमाम बारगाहों का दरवाजा नहीं है। इन्नल्लाह युहिब्बु तव्वाबीन, खुदा तौबा करने वाले से मोहब्बत करता है। अब ये कुर्बत है, आप खुदा का शुक्र करेंगे खुदा आपसे मोहब्बत कर रहा है, खुदा ने आप पर तवज्जो दी है। कितने लोगों को सजदा नसीब होता है, आप शुक्र करें कि आपको दिन में सजदा नसीब हो रहा है। दुनिया की सारी चीजें आपके पास हो और खुदा का सजदा ना हो तो क्या करेंगे आप? शद्दाद जैसी जन्नत बना लें और उसमें दाखिल ही ना हो पाए तो क्या करेंगे आप? कुर्बत यानी खुदा बहुत जरूरी है। कोई फिर दुआ अरबा के जुमले, परवरदिगार जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया क्या पाया। तो ये कुर्बत मकाम देती है, हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम इस कुर्बत की वजह से कि आज 110 से ज्यादा मुख्तलिफ ममालिक के तालिबिन पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में नूर फैल रहा है। एक मकाम ऐसा थे जनाब, एक दफा कहते हैं बारिश कुंभ में नहीं हो रही थी, तो वहां बाहर नमाज पढ़ी गई और बीवी की खिदमत में बड़ी तवसुल किया, कुछ दिन आले मदीन ने किया, तो उनके ख्वाब में मिर्जा कुम्मी आए, वहाँ पर एक कब्रिस्तान है शेखैन, वहाँ पर एक
बड़े आलिम दीन मिर्ज़ा कुमी दफ्न है, तो कहते वो ख्वाब में आया और कहा कि ये जो कुम के मामलात है ना, इसके लिए मेरे पास आया करो। कुम के मामलात मेरे पास आया, बीबी दो आलम की शफात के लिए है। यानी दायरा बहुत बड़ा है उनका। वो जाने वो तुरम को बहरहाल ये कुर्बत जो है वो इंसान को ये मकाम दे देती है। दूसरी चीज के जो प्रैक्टिकल हम भी अपनी जिंदगी में बीबी की जिंदगी से ले सकते हैं, वो विलायत का दिफा है। बीबी मदीना में थी बड़े आराम से सुकून से थी, लेकिन जो इमाम है वक्त उस वक्त का भाई भी है लेकिन इमाम है, और वो खुरासान में उनकी खातिर निकली और कारवान रस्ते में हमले हुए, जख्मी हुई और फिर दुनिया से रहलत फरमा ली। यानी अपने वक्त के इमाम के लिए कुछ करना पड़ता है। ये बीबी ने दिखाया, ये विलायत ऐसे नहीं मिलती है, विलायत मिलती है। जैसे हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, मशहूर मिसरा फारसी का आपने सुना होगा कि करबला करबला में मां अगर ज़ैनब ना हो, करबला करबला में रह जाती अगर हजरत ज़ैनब नहीं होती। तो इमामत के लिए कुछ करना पड़ता है, और ये बीबी ने कुछ किया है, तभी तो ये मकाम मिला है उनको इतना कि आप उनकी ज़ियारत जब पढ़ते हैं उसके अंदर ज़ियारत के अंदर अस्सलामु अलैकी या बिन्त वलीअल्लाह, हमारा सलाम हो कि आप अली की बेटी हैं, अस्सलामु अलैकी या उख्ता वलीअल्लाह, हमारा सलाम हो कि आप वली की बहन हैं, अस्सलामु अलैकी या अम्मा वलीअल्लाह, मेरा सलाम हो कि आप अली की पुप्पी हैं। यानी विलायत ने घेरा हुआ है, ये विलायत है, सब कुछ हो आपके पास विलायत ना हो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इमाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर एक शख्स सारी जिंदगी दिन में रोजे रखे और रात को इबादत करे, सारी जिंदगी, और इबादत कहाँ करे, मकाम इब्राहिम और खाना काबा के दरमियान रोजे रखे और इबादत करे, और अगर उसके दिल में विलायत अली जितने भी तालिब नहीं है तो उसकी इबादत कबूल। विलायत बहुत जरूरी है, विलायत इंसान अपने वजूद में लेकर आए, विलायत जहूर करे इंसान के वजूद से, यानी आपको देखकर लगे कि आप किसको मानते हैं। आपको ना कहना पड़े कि मैं किसको मानता हूं, आपको देखे, आपको कोई देखे तो हाँ ये फलाने का मानने वाला लग रहा है। तो यहां हुलियों से काम नहीं चलता, यहां किरदार बनाने पड़ते हैं। किरदार आपके सामने तारीख में कितने लोग थे, मगर कितने ऐसे लोग थे जिनको खुद इमाम ने कहा है मेरे जाने वाला है। आपकी उंगलियों में सलमान, मीसम, कंबर, मिकदार, अबूजर, यानी वो है कि जिनको इमाम ने खुद कहा, लोग उन्होंने दावा नहीं किया। तो हम अच्छी बात है आप दावा करें कि आप बोले कि जी हम विलायत हैं, लेकिन आपका किरदार बताए कि आप विलायत के लिए कुछ करेंगे तब विलायत जरूर करेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में विलायत के लिए अपने इमाम के लिए कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, आपसे और मुझसे कूफा का सवाल नहीं किया जाएगा कि कूफा वाले क्यों नहीं इमाम का साथ दिया, नहीं हमसे थोड़ी पूछा जाएगा। करबला वालों में लोग इमाम के साथ क्यों, हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमसे क्या पूछा जाएगा। 2024 बार्सिलोना इमाम जमाना, तुमने इमाम जमाना का कितना साथ दिया, पूछा जाएगा उनसे, यही पूछा जाएगा कि इस दौर में के जो आईटी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, रिपोर्ट्स का दौर, दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है, उस दौर के अंदर आपने अपने इमाम के लिए क्या किया, कौन से सवाल किया जाए। अब हम क्या करें, मौना साहब टेंशन तो आप दे रहे हैं लेकिन करें क्या। मैं जाने मोहतरम, सबसे पहले
अपने इस वजूद पर इमाम की हुकूमत लेकर आए। दुनिया पे तो बाद में इमाम की हुकूमत हो, आपके ऊपर तो इमाम की हुकूमत हो सकती है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। आप अपने अपने ऊपर तो इमाम की हुकूमत लेकर आए ताकि ऐसी जिंदगी गुजारे जैसे इमाम के जहूर में गुजार रहे। कैसे गुजारेंगे जिंदगी? कोशिश तो करे, स्टार्ट तो ले, कोई तो स्टार्ट ले, कोई भी चीज करे, सुबह ऐसी करे, कम से कम सुबह ऐसी हो कि इमाम को याद करे। सुबह तो कर सकते हैं आप, कहीं भी हो, क्या करें सुबह? नमाज के बाद कम से कम दुआ अहद पढ़ ले, कितना आसान काम है। और रिवायत भी छठे इमाम से, जो 40 दिन दुआ अहद पढ़ेगा वो मर भी जाए तो जहूर में कब्र से उठाया जाएगा। किसने कहा ये इमाम साहब से शादी करें? तो क्या हमें इमाम के कॉल पे यकीन नहीं है? असल में हमें इमाम ही समझ में नहीं आया आज तक, तो हमें जब इमाम समझ में आएगा तो इमाम की बात पे यकीन करेंगे। जाने वो तुम 40 दिन है, 40 दिन क्या फर्क पड़ता है? 40 दिन थोड़ी जाओ, कुछ नहीं लगता, 5 मिनट शुरू में लगते, बाद में तो और तेज पड़ लेता है। तो कम से कम कुछ तो करे। सदका जो रोज देते हैं, सबसे पहले इमाम की सलामती का सदका दे, क्योंकि आपको आपकी जान से ज्यादा प्यारा कौन होना चाहिए? तो क्या है, ज़ियारत में तो पढ़ते हैं रूही माली नफसी सब कुछ लकल फिदा। अमलन है कि नहीं है? अमलन यहाँ तो खून की डेटा है तो इंसान आगे पीछे कर रहा होता है लेफ्ट राइट, ताकि कम पैसे बचे, खून कम देना पड़ जाए। जाने मोहतरम, खून हमारा थोड़ी है, खून तो इमाम का हिस्सा है, जो इमाम को दे रहे हो और कोई एहसान नहीं कर रहे आपका है ही नहीं, आपका है ही नहीं। बाद लोग कहते हैं अच्छा हम कौन से पैसे दे दे फिर कहते हैं हमने खिदमत, आपने कुछ नहीं, आपका पैसे ही नहीं थे, यानी आपने मेरे पैसे देने हो, अब आपने मेरी जैसन का मुझे हदिया देना हो, आप मुझे ना दे और उस पैसों से कहीं खिदमत कर दे, इमाम बारगाह में चैरिटी डाल दे और बोले कि मैंने डाली है, तो अच्छा लगेगा? मैं बोलूँगा भाई मेरे पैसे से डाली है। जाने मतलब आपका पैसा नहीं है, उसको निकाले। तो ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी में, आप कोई शब्द कहते हैं वहां पर हमारे पास तो पैसा बचता ही नहीं, हम तो हैंड टू माउथ है। हैंड टू माउथ में साल पूरे साल में एक डेट होती है, वो उसकी हैंड टू माउथ में आपके पास 10 यूरो भी नहीं बचते। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बोले 10 यूरो भी नहीं बच रहे मेरे पास, तो 10 यूरो में से कितना खूमस है? 2 यूरो। क्या 2 यूरो निकालते हुए शर्म आती है? शर्म आती है। वो बीबी शतीता का वाक़या कि जो निशापुर के गरीब थी, एक सिक्का खाली खुम्स का दिया, लोगों ने बहुत सारे थैलियाँ जो थी वो सिक्कों की खुम्स की सातवें इमाम को भिजवाई, सारी चीज़ें इमाम ने वापस भेज दी सिवाय उसे एक सिक्के से, एक सिक्का रखा। क्यों? खालिस था। फिर बाद में बाद रिवायत कहते हैं कि इमाम ने कफन भी भिजवाया जब उनका इंतकाल हुआ, तब खुद कहते हैं आए जनाजा पढ़ाने के लिए, जब आप निशा खूब जाए तो आपको ज्यादा खुशी करे, वो जाने वाला कुछ तो निकलता है, कुछ तो निकाल। यानी यहां से आपको पता चलेगा कि इमाम कितना इम्पोर्टेंट है। अगर इमाम इम्पोर्टेंट होगा तभी तो आप कुछ करेंगे। तो ये दूसरी सिफत है हज़रत मासूम, दूसरी खूबी है कि जिसने उनके इस मकाम को इतना बयान कर दिया। हम आपके सामने शहीद मुतहरी रिजवानुल्लाह ताला अलैह, आप जानते हैं कि इतने बड़े मुफक्किर इस्लाम हैं, उनके बहुत सारे उस्ताद थे, मगर उन्हें अल्लामा तबातबाई से बहुत मोहब्बत थी। और अल्लामा तबातबाई जिन्होंने तफ़सीरुल मीज़ान लिखी, वो खुद भी हरम हज़रत मासूमा में दफन है, शहीद मुतहरी भी हरम हज़रत मासूमा में दफन है, सब वहीं पर हैं। उनसे पूछा कि आपको अल्लामा तबातबाई से इतनी इरादत क्यों है, उस्ताद तो बहुत सारे। कहा विलायत की वजह से। कहा क्यों? कहा रमजान में जब अफ्तार का वक्त होता था, यानी जब रोजा खुलता था, तो मैंने देखा कि उस्ताद अल्लामा तबातबाई जरी को बोसा देकर अफ्तार कर देते, यानी जब अफ्तार का वक्त आया तो अपने लबों को जरी से लगाकर अफ्तार कर। क्या इश्क और मोहब्बत थे। ये
फिर देखे मकाम, फिर उनको क्या मकाम मिल गए कि आज भी तफसीरुल मैदान, अभी आयतुल्लाह जवादी आमिर की तफसीर है, वो इंशाल्लाह के खुदा उनको रखे तस्नीम, वो उससे बड़ी होगी, लेकिन वो भी घर उन्हीं के शागिर्द है अल्लामा रहमतुल्लाह भाई के। तो ये कनेक्शन जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और वे इलाही और मेरा है। इसको अपनी ज़िंदगी में जितना आप इम्प्लीमेंट करेंगे तभी ये मकाम आपको हासिल है। हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को ये इल्म का मखज़न ज़ाहिर है अहले बैत की वजह से भी, और करामत कि उनका लक़ब करीमा है अहले बैत है। अहले बैत में दो करीम हैं, ऐसे तो सारे करीम हैं, लेकिन एक इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहि सलाम को कहा जाता है और एक करीमा है अहले बैत हज़रत मासूमा को कहा जाता है। और करम का ताल्लुक लेने वाले से नहीं है। लेने वाला जो आता है कि आप बोले भाई इस पे इतना करम होगा इसकी वजह, ना, करम का ताल्लुक देने वाले का होता है। आने वाला कोई भी हो, जैसा भी हो, इधर से करम ही होना है, क्योंकि जाहिर है अब कोई भी आ रहा है, छोटा आ रहा है, बच्चा आ रहा है, मेरे जैसा गुनाहगार आ रहा है, छोटा तालिब इल्म, ना, उधर से कर्म की इंतहा कर सबको मिल रहा है, मिले जा रहा है। हमने अपनी जिंदगी में देखा, मौलाना साहब भी वहां गुजारी, हमने अपनी जिंदगी में देखा, हमारे उस्ताद कहते थे जब वो फारसी पढ़ते थे शुरू शुरू में, तो कहते थे कि अगर तुम्हें कुंभ में नमक चाहिए ना, नमक की कोई कीमत नहीं है, तो किसी के पास मत जाना, पहले बीबी मासूमा के पास जाना, उसके बाद वो खुद तुम्हारे लिए असबाब पैदा। हमारी जिंदगी में जाने मोहतरम हमने तो ये देखा, मुश्किल से पहले मुश्किल का हल आता था, तो ये रब्ता करना पड़ता। आप भी कर सकते हैं, यहाँ से बीबी की ज्यारत पढ़े, हफ्ते में एक दिन पढ़ लिया करें, बीबी की ज्यारत पढ़े और बीबी से मुतसिल हो जाए, आप देखें फिर आपकी जिंदगी में कैसा करम आता है। आयतुल्ला मराशी नशवी के आप जानते हैं कि हरम के करीब जो गली है उसके अंदर उनका है, और वो 70 साल हजरत मासूमा के पहले जाहिर है, क्योंकि उस जमाने में हरम बंद हो जाता था, हरम सुबह खुलता था, तो जो सबसे पहला जाहिर वो खुद आयतुल्ला मराशी नशवी होते, और वो मकाम था उनका कि आप देखेंगे एक दफा सर्दियां हैं, बर्फ पड़ी है, तो खुद बीवी उनके खौफ में आई, कहा कि हमारे कुछ जाहिर बाहर सर्दी में बैठे हुए, और जाकर देखा तो पाकिस्तानी जाहिर थे कि जो हरम के बाहर खड़े हुए। शुरू शुरू में जब ये कुम आए तो उस वक्त बीवी की खिदमत में आए और थोड़ा सा शिकवा किया कि मुझे बेटी की शादी करनी है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कैसे बेटी की शादी करूँ, थोड़े से नाराज से नाला हुए और चले गए। जाके सोए तो ख्वाब में खादिम आया, कहा बीबी बुला रही है, गए और जो बड़ा सहन है हरम का, सहने आईना जिसको भी कहते हैं, सहने मामला, उसमें गए तो देखा कि खवातीन उस शीशे को साफ कर रही है, कहा कि यहीं रुक जाओ, बीबी तशरीफ ला दी, खुद सैयद थे तो बीबी तशरीफ लाई, झुक के बैठ गए सामने। बीबी ने कहा शहाब महाराशी नाम था, बीबी ने कहा शहाब जिस दिन से तुम कुम आए हो हमारी तुम पे निगाह है, कि तुमने कैसे कह दिया कि हमने तुम्हें छोड़ दिया, तो एकदम शर्मिंदा हुए, रोने लगे, आंख खुल गई, आए बीबी से माफी मांगी, उस दिन के बाद से मेरे पास अल्फाज थे उनके तरफ तो ना करा, यानी मेरे जैसे अकीर को कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, ना को पहचान है, ना लोगों को बताए कौन कहाँ भी कैसे, लेकिन आज आप ये उनका उन्होंने इतना करम किया हुआ है कि वो जो नौकरी अंबियाओं की थी वो नौकरी हटा की, ना इस काबिल है ना जरूरियत है, यानी मुस्तकिल करम है। खुदा करे कि ये हमारी मौत तक ये करम जारी और सारी रहे, उनकी तरफ से कभी कमी नहीं आई, खुदाई होगी तो हमारी अपनी होगी, इसीलिए आकिबत बखैर की दुआ करनी चाहिए कि अंजाम इंसान का अच्छा हो, जिंदगी अच्छी गुजर रही हो नहीं पता, मरते वक्त क्या होगा इसकी तमन्ना करनी चाहिए, और दिल से इंसान का रास्ता अच्छा हो जाए इसी जिंदगी गुजारे कि जब मौत का वक्त आए तो वो आपकी जिंदगी में आए, वो ये आसान नहीं है। जाने मौत बहरहाल
वक्त जो है वो थोड़ा सा बाकी है आज का, बाकी कल और आपकी खिदमत में है। एक हदीस जो है वो कुछ मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ ताकि जो है वो आज की महफिल को जो है वो इमाम के कलाम से जो है वो नूरानी किया जाए। सलावत भेजते हैं मोहम्मद विरासत शबे अश्तों में इमाम है, और आप जानते हैं कि इमाम जो है वो वली नेमत है। और यहाँ बहरहाल दुआ की जरूरत है कि अभी आखिरी खबरों तक जो मैं देखता आया न्यूज़ नहीं आई थी कि जो है वो इब्राहिम रईसी जो है वो उनका अभी तक पता चला है, शायद अभी तक कोई खबर आ गई हो मैंने नहीं देखी। आखिरी न्यूज़ तक नहीं पता चला था कि उनका हेलीकॉप्टर फर्स्ट लैंडिंग में जो शर्क अज़रबैजान में गिरा है वो अभी तक ढूंढ रहे हैं। मौसम बहुत ख़राब है, तो इमाम रज़ा की सदके में दुआ कीजिए कि बहरहाल अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती के साथ जो है वो वहाँ पे जहाँ पे भी हो लेकर। जान मोहतरम इमाम की हदीस जो है वो कुछ हदीसें हैं, और मैं कुछ हदीसें तो मैं कल आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन एक आध हदीस में आज आपकी खिदमत में खुद इमाम रज़ा अलैहि सलाम जो है वो इरशाद फरमाते हैं कि इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जो ईमान है, ईमान उसका दर्जा इस्लाम से बढ़कर है। जो हम इस्लाम यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का मुसलमान हो गए, अब मुसलमान के बाद थोड़ा दर्जा बढ़ जाएगा वो ईमान का है, कि जो ईमान लेकर आता है उसका दर्जा इस्लाम से बढ़ जाता है। इन्नल ईमान अफ़ज़लु मिनल इस्लाम बिदरजतिन। फिर इमाम फरमाते हैं कि जो तकवा है, जब इंसान तकवा इख्तियार, तकवा के सादे मायने क्या है कि इंसान परहेज़गार हो, जो वाजिब है उसे अंजाम दे, जो हराम है उसे तर्क कर दे। सादी जो डेफिनेशन तकवे की ये है। बाद लफ्ज़ इतने मुश्किल होते हैं, जवान समझते हैं पता नहीं हम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इतना मुश्किल नहीं है तकवा इख्तियार करना। कोशिश करें तो इंसान मुत्तकी हो सकता है। तो फिर इमाम इरशाद फरमाते हैं कि तकवा जो है वो ईमान से भी अफ़ज़ल है। इस्लाम, ईमान और फिर तकवा। अब हमें अपने आप को देखना है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, क्या ईमान के फीनल ईमान हमारे दिलों के अंदर है, तकवा जो है वो क्या हमने अपनी ज़िंदगी में अख्तियार किया है नहीं किया। देखिए अपग्रेड होना ज़रूरी है। आप बोले कि हम एक साल पहले ऐसे थे अभी तक वैसे ही हैं, तो क्योंकि आपने कोई अपग्रेड नहीं किया। आप 20 साल पहले लोग आए उस समय आपके पास जगह नहीं होगी, आप छोटी जगह पे अदादारी करते होंगे, घर में अदादारी करते हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास जगह है, आज आपके पास मौलाना है, चीज़ें हैं। तो अब आप जो नई जनरेशन है उसको और अपग्रेड करना है, वो जब आगे लेकर आए तो उसको और आगे की तरफ जाना है, रुकना नहीं है, चीज़ों को और अचीव करें, बेहतर करें। तो इसी तरह जब इंसान बातनी तौर पर करता है, यानी मैं एक साल पहले मेरे लिए खुदा क्या था, साल गुजर गया खुदा अभी तक वही है, कोई मारिफत बढ़ी कि नहीं बढ़ी, क्योंकि मुझे सोचना चाहिए। तो इसीलिए इस्लाम, ईमान और फिर उसके बाद इंसान तकवा। इमाम फरमाते हैं कि फरजंदे आदम के लिए कोई भी चीज़ यकीन से ज़्यादा नहीं दी गई है, यानी जिसको यकीन दे दिया जाए यकीन से बालातर। इमाम फरमाते हैं कि हज़रत आदम की औलाद को कोई चीज़ नहीं दी गई। अब जो यकीन के दर्जे पे पहुंच जाता है उसका मकाम और बुलंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को जिस तरह है उस तरह दर्द कर रहा होता है, और ये इंसान आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ जाता है। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी गफलत में दुनिया में फंसा रहे तो जाने मौतरम फिर तो इस्लाम तो क्या ईमान भी चला जाता है। और भी आज का ज़माना तो बिल्कुल वही है जिसके लिए रवायात है कि बाईमान शख्स सुबह घर से निकलेगा और जब घर आएगा तो ईमान उसका ख़त्म हो चुका होगा। आज दुनिया ऐसी है, आज आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आज आपके अपने हाथ में मोबाइल है, आप अभी नमाज पढ़े इबादत पढ़े थोड़ी देर में आप देखेंगे सब खत्म, क्योंकि आपके सामने है कि कोई चीज़ आपके कंट्रोल में तो है ही नहीं, आपको खुद कंट्रोल करना है।
अभी इंस्टाग्राम देखते के आदमी थकता नहीं है, टिकटॉक देखना शुरू कर देता है, टिकटॉक खत्म नहीं होती फेसबुक देखना शुरू कर देता है, यूट्यूब देखना शुरू कर देता है। वो बोले नहीं महोदय मैं तो मजे से सुनता हूँ, मैं तो नॉवेल सुनता हूँ, ये मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। लेकिन जितना आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं चीजों से, कोई ना कोई चीज तो आ ही जाती है आदमी की। तो ईमान जो है वो इतना मुश्किल हो गया उसको संभालना, ये ज्यादा मोहतरम। बस आप घर के अंदर है, आपने बहुत अच्छा किया, कहीं आपकी आवाज बुलंद हो गई, कहीं आपने बदतमीजी कर ली, तो भी आपके अंदर से ईमान गायब हो जाता है। तो हर वक्त इंसान जो है ना वो चेक के अंदर है। मौलाना रूमी ने मसनवी में वाकया बयान किया, विलादत है, थोड़ा आपके चेहरों को मुस्कुराहट भी है, मैं तो टेंशन ही देता रहता हूँ। वो कहते हैं कि एक गांव में एक किसान था और उसकी बहरहाल खेती बाड़ी थी, उसके बड़े मसाइल कुछ खेती बाड़ी के, कुछ उसके रूह के मसाइल, मानवीय अपने आप को तरक्की देना। तो उसने सुना हुआ था कि जो करीब एक जगह है वहाँ पर एक शेख साहब रहते हैं, वो पहुँची हुई शख्सियत है। तो चल पड़ा उनके यहाँ, पहुँचा देहात, तो जो घर लोगों से पूछ पाछ के गया तो दरवाजा खटखटाया, अंदर से वो खातून आई, बोला जी शेख साहब हैं, मुझे उनसे मिलना। उन्होंने बोला कोई शेख वेख नहीं है, उल्टा दो चार जो है वो शेख साहब को भी सुना दी। अब बेचारा बड़ा परेशान हो गया, आया तो वहाँ तंदूर था, तंदूर वाले से पूछा कि आप शेख साहब को जानते हैं? कहाँ हाँ हाँ, वो जंगल गए हैं, वहाँ से लकड़ियाँ काट के लाते हैं, मुझे देते हैं, उनका भी गुजारा चल जाता है, हमारा तंदूर चल जाता है। तो उसने इशारा किया इस तरह, उजाल लगा कारण। अब उसने देखा कि एक बड़ा बहुत ही नाजुक सा शख्स आ रहा है और उसके बराबर में एक जो है वो जंगल का शेर आ रहा है और शेर की पीठ पे लकड़ियाँ रखी हुई। अब बड़ा परेशान हो गया कि अब डर भी रहा है। तो उसने डरते से पूछा कि आप शेख साहब? हाँ। कहा वो मुझे आपसे कुछ सवाल था। अब वो डर रहा है, तो मैं डरो नहीं, बैठो बैठो कुछ नहीं कर, बैठ गए। शेख भी जो है दो जानू होकर बैठे गए। अब इन्होंने मसाइल पूछे खेती बाड़ी के, सब के भू के, मुतमईन हो गए। कहा जितना मैंने आपके बारे में सुना था मैंने उससे बढ़कर आपको पाया, लेकिन मैं जब आपके घर गया तो जो आपके घर में काम करने वाली है उसने बड़ा आपके लिए बदतमीजी के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो शेख साहब ने कहा कि मियाँ संभल के बात कीजिए, वो हमारी काम वाली नहीं है। हर घर की दास्तान से मुस्कुराहट नजर आ गई मुझे। तो कहा वो हमारी जोजा है। तो कहा हम उनको तहम्मुल करते हैं, तो ये जंगल का शेर दो जानुओं के बैठा हुआ है, तो ये सबके लिए है, या आप खुश ना हो वो भी आपको तहम्मुल करती है। तो ये सारे मौतों की सबके लिए है। यानी यहाँ पर इंसान को अपनी तरबियत की जरूरत होती है और यही तरबियत है। हर शख्स का इम्तिहान अलग है, हर शख्स किसी का घर में है, किसी का घर से बाहर है, किसी का तन्हाई में है, हर जगह है। ये आपको देखना है कि आपका इम्तिहान क्या है। जिसको ये समझ आ गई चाबी, बस वो फिर खोलता चला जाता है दरवाजा। तो ये चाबी आपने अपनी जिंदगी की एक सुई फंसती कहाँ है, और हर शख्स ही अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि कुल्ली कानून सबका, हर आदमी अच्छा हर आदमी जानता भी है, लेकिन जैसे कबूतर आंखें बंद करके नहीं बैठा होता कि बिल्ली मुझे खाएगी नहीं, तो मैं अपनी कोताहियों को खुद इग्नोर करता हूं। अगर मैं सच्चा हो जाऊं और खुदा की बारगाह में हाथ फैला कर लिखूं परवरदिगार तू जानता है कि मेरी कमजोरियां क्या है, तू जानता है मैं कमजोर हूं इस मामले में, परवरदिगार तू तो मेरा मालिक है, अगर तू मुझे नहीं बचाएगा। यही तो है जब आप मना जाते सवारियां पढ़ते हैं जो मासूमीन से है ना, मना जाते तमाम आइम्मा ने उस मना जात को पढ़ा है, उसमें क्या है कि वकफ तो ले लेगा कि परवरदिगार मैं तेरे सामने खड़ा, मैं कहां जाऊं, मैं अगर तुझे छोड़ के जाऊं तो मैं तो जलील और ख्वार हो जाऊं।
अजाने मोहतरम को ये बहुत जरूरी है कि इंसान अपने आप तकवा यकीन पर जब आप आ जाए कि आपको यकीन हो कि सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, खुदा का दरवाजा बंद नहीं होगा। यकीन तो बस अगर ये यकीन हो फिर आपको कभी कोई मुश्किल नहीं। करबला वालों को यही यकीन था कि जो वो कर रहे हैं यही सबसे बड़ा काम है। रात को छोड़कर नहीं गए इमाम को, क्यों? कहा कि बदन के टुकड़े भी हो जाए तो भी कम है। क्यों? क्योंकि इमाम के बगैर हयात हयात नहीं है। यकीन था और उसी यकीन पर सामने थे और टुकड़े होते रहे। अब ये यकीन हो कि इमाम जिंदा है, इमाम गैबत के पर्दे में है, दो दफा हफ्ते में आमाल इमाम के पास जाते हैं, दो दफा, यकीन है। तो मैं क्या भेज रहा हूं? रोज लिखा जा रहा है, एक किया इसने, एक किया, फाइल बंद, गई। कम अज कम रात को इज्जत रखे। और रिवायात है अगर कोई मोमिन गुनाह करता है खुदा उसको कई घंटों तक नहीं लिखने देता। अपने और बंदे के दरमियान में किसी को नहीं रखता, मलाइका से भी अपने मोमिन के गुनाहों को छुपाता है। हम समझे ही नहीं खुदा को। कुछ घंटों तक लिखा मामला लिखा भी नहीं जाता, क्यों? तौबा कर लेगा अल्लाह लेगा। और हम कितने तेज हैं कि हमें किसी की गलती पता चल जाए, किसी कम्युनिटी में किसी शख्स की कोई बात पता चल जाए और शायद बेचारे ने ना भी की सही तरह, लेकिन हम क्या करते हैं, स्टैंपे लगाते हैं, ये तो जन्नत में नहीं जाएगा, ये तो बलाना है, ये तो बलाना हो, भाई क्या हो गया है, आने दो, हमारा थोड़ी है, हम तो खुद लटके हुए हैं, पता नहीं क्या होगा हमारा। हम दूसरों में कितनी इतनी मुश्किल से चीजों को डाल देते हैं जाना। और वैसे भी ये महफिल है, ये वजह से ये सब तो इमाम का है, हमारा कुछ नहीं है। इसलिए ये मजलिसें, ये महफिलें ऐसी होनी चाहिए यहाँ सब आए, कोई ऐसी बात ना करें जिससे कोई और फिरके के लोग का दिल जो है वो दुखे। कल को कयामत में वो ये कहे रोजे महशर में कि या रसूल अल्लाह हम तो आपके नवासे का कम सुनने गए थे मगर वहाँ लोगों ने हमें आने नहीं दिया। इसको समझने की कोशिश करें, आखिरी जमाना है, जहूर बहुत नज़दीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी है। खुदा करे कि बहरहाल हम इमाम के जहूर को तर्क करें जाने मौका, और इमाम के लिए मैं बहरहाल वक्त जो है वो आपको माजरत में थोड़ा मुझे काफ़ी मेरी गलती है, बहरहाल मैं 10-15 मिनट आए बहुत थका हुआ था और बहरहाल मैंने थोड़ी देर सोने के लिए कहा तो बच्चों ने मुझे उठाया, लेकिन मुझसे तादीर हो गई कि मौलाना साहब को 15 मिनट में भी थोड़ी सी ज़्यादा पढ़नी पड़ गई, तो इंशाल्लाह मैं हदीस से एडजस्ट कर दूँगा मौलाना साहब। तो सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। जाने मोहतरम बहरहाल मोमिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, ये भी जो है वो एक बहुत बड़ी खुदा की तरफ से नेमत है। और यही तो क्वालिटी है कि अहले बैत ने यही कहा कि जब तुम आपस में जमा हो तो अपनी महफिलों को हमारे जिक्र से जीनत बख्शो। तो ये उन्हीं के जिक्र की जीनत है। शख्स बयान करता है कि, और ये आयतुल्लाह शमसुद्दीन की किताब में, जो आयतुल्लाह उज़्मा बेहजत की शागिर्द थी, उनकी किताब में, कि अलाउद्दीन कहता है कि मैं इस्फहान में खड़ा हुआ था तो देखा कि कुछ लोग जो मजदूर हैं एक जनाजे को लेके जा रहे हैं, तो मैंने देखा उसमें एक बहुत बड़ी शख्सियत जो वहाँ का ताजिर है इस्फहान का, वो साथ साथ, मैंने बड़ा ताज्जुब किया कि अगर ये कोई इनके रिश्तेदारों का जनाजा है तो सारे मजदूर कौन, और अगर ये मजदूरों का जनाजा है तो ये क्या कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी शख्सियत। तो मुझे उन्होंने देखा तो मुझे कहा चलो मेरे साथ आओ, कहा जनाजे का जो उनका था वहाँ, मैं भी चल पड़ा। वो काफ़ी देर लग गई क्योंकि वो ऊपर की तरफ था, मैंने नमाज भी पढ़नी थी
मैंने कहा मैं गलती होगी, मैं इतना लंबा आ गया। मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है और आप क्या इसके पीछे आए? तो उसने कहा जनाजा तो पढ़ो, जनाजा आना हुआ। उसने कहा कि मैं हज पे देख रहा हूँ, जमाने में हज इस तरह भी होते थे जहाज़ों के लोग जो है वो सवारियों से जाते थे मुख्तलिफ जगहों से। तो कहते जब मैं कूफा पहुँचा ना तो मेरा सामान जो है ना वो खो गया और मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना मैं आगे बढ़ सकता था ना मैं पीछे आ सकता था। इसी अजीब सी हालत में मैंने बहरहाल इमाम से मुतसिल हुआ, तो मैं मस्जिद सहला से मस्जिद कूफा पैदल जा रहा था और मेरी हालत ये थी कि बस, तो मेरे बराबर में सवारी आई और सवारी आके रुक गई और वो सवारी किसी की नहीं थी, बहुत इमाम की। इमाम ने मुझसे पूछा कि क्या माजरा है? कहा मेरी जरूरत ही नहीं हुई। मैं इमाम कहा नहीं, बोला ठीक है कोई मसला नहीं है। तो कहा नहीं मसला क्या है, कोई हालत हाँ मौला आज पे जा रहा था सामान हो गया है माल सब खत्म। तो इमाम ने आवाज दी, आली एक आवाज दी तो एक घोड़ा सवार बनता हुआ, तो इमाम ने उसको कहा कि इसका सामान मिलो और इसको हस्बैंड मिलो। उस शख्स को जब मैंने देखा तो वो हमारे बाजार का इस्फहान में जो था वो चौकीदार था, लेकिन मेरी जरूरत ना हुई ये मैं उससे पूछूं कि ये वही है कोई और है। फिर मैंने कहा वो यहाँ क्या करेगा? इमाम ने आवाज दी और आ गया। खैर उसने कहा कल आ जाना। कल जब मैं आया तो उसने मेरा सामान मुझे दे दिया जो खो गया था, कहा कि इसको रखो और फिर तुम आओ और मैं तुम्हें हज पे ले जाऊँ। कहा वो मुझे सवारी पे उसने बिठाया और बस चंद कदम बढ़े तो हम मक्का के बाहर मुझे ले गया, कहा कि जाओ अपने अंजाम करो जो भी करो, तो किसी को बताना नहीं, कोई पूछे कि कैसे आया, बोला मैं दूसरे रास्ते से आ गया पर फिर मैं तुम्हें वापस छोड़ दूँ। कहा मैं सब अंजाम दिए वापस है, जहाँ बोला वापस है। जब मैं वापस आने लगा तो मैंने कहा मैं बात पूछूँ, कह रहा तुम वही हाल हो जो बाजार में निगेबानी करते हो? कहा हाँ हाँ इस मकाम में। तो उसने कहा कि देखो ये बात किसी ने कहना नहीं, जिस तरह पहले मुझे मिलते थे ना मुझे वैसे ही मिलना। कह रहे जब मैं वापस गया तो आपको पता है जब लोग हज पे आते हैं तो लोग तावत मुबारक के देने आते हैं, सब आए ये भी आया, मैं खड़ा होने लगा, उसने मुझे इशारा किया। जब सब चले गए तो उसने कहा कि देखो मैं चंद दिन का मेहमान हूँ, कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे कुछ दिनों बाद, तो आना मेरा गुस्ल कफन वो भी मेरे घर पे पड़ा होगा, बस मुझे गुस्ल कफन दे देना, ये मेरे घर तुम्हें एक एहसान करना कि जो मैंने तुम पर दिया था। ये कहकर वो और वही हुआ क्यों कहते मुझे चंद दिन बाद आया। भाई ये इमाम का उस रिजालुल गैब में से शख्स ये जो दुनिया में कहीं भी होता है, और बाज़ औक़ात हम इमाम को जब पुकारते हैं तो किसी को इमाम भेज देते हैं, वो कितना खुशकिस्मत होता है वो शख्स कि जिसे इमाम अपने लिए अपॉइंट कर ले। और ये जो लोग होते हैं ये लोग आम लोग होते हैं, आम जिंदगी गुजारते हैं और मर जाते हैं, लेकिन नौकरी इमाम की करते हैं। मैं जाने मोहतरा हमें नहीं पता कोई कहाँ किस तरह, कभी आप इमाम को पुकार के देखें तो देखें कि कौन आता है आपके पास। जाने मोहतरम हर अलसी दुआ के साथ कि इमाम के करीब क़ुर्बत याद से है, जितना तड़पेंगे उतना उधर से भी तड़प आएंगे, जितना मांगेंगे उतना उधर से आता। भैया बार बार बोले बार बार बोले, जब हम बेहतर हो रहे थे, बेहतर से मारा के मतलब पहले आज अगर लोगों को बोले जी हमारे हम कन्वर्ट हुए तो लोग कहते हैं मानो तो पहले क्या हिंदू थे जो कन्वर्ट हुए, नहीं मतलब एक आम आदमी थे खुदा ने तौफीक दी और वो हुआ। उस वक्त हमारे एक दोस्त थे, हम कहते थे यार खुदा ने हमारा इंतखाब कर दिया, तो कहते थे आप कैसे बोल देते हैं कि खुदा ने आपका इंतखाब किया? मैंने कहा नहीं भी किया होगा तो बार बार कहने से खुदा खुद ही कर देगा। तो बोलना चाहिए कि मौला मैं आपका सिपाही हूँ, मौला मैं आपका मौला कैसा मेरा सिपाही है,
लेकिन जब बार बार बोलेंगे तो जालिम होगा। उनका दरवाजा तो ऐसा है कि उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ जाता नहीं। कोई दरवाजा रोज खटखटाए इंशाल्लाह बीवी मासूमा के सदके में, और आज शब विलादत है उनके भाई की, इन दोनों बहन भाइयों के सदके में खुदा की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करें। और इन्हीं के सदके में परवरदिगार तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजीद फरमा, हमें उनके नासरों उनके मददगारों में शुमार फरमा। परवरदिगार हम खताकार हैं, गुनाहगार हैं, हमें मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा, हमारे इमाम को हमारे अमाल से राजी फरमा। परवरदिगार दुनिया के हालात तेरे सामने, फलस्तीन के, गजा के, परवरदिगार उन मजलूमों की हिमायत फरमा, उम्मत मुस्लिमा को बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत को आपके सामने बेदार हो रही है, उन्हें मुत्तहद होकर उन मजलूमों की हिमायत की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार दुश्मनान इस्लाम अगर हिदायत की काबिल है उन्हें हिदायत फरमा, और अगर हिदायत की काबिल नहीं उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचा। बहुत सारे लोग मरीज हैं, हमारे दोस्त हैं पायलट हैं, कमर्शल पायलट हैं, कैंसर है उनको, एक मौलाना है उनकी आँख में ट्यूमर का ऑपरेशन है, एक और भी हमारे जानने वाले हैं उनको जो है वो कैंसर है। आपके भी अतराफ में दोस्त है, आप मरीज होंगे, रिश्तेदार जितने भी हैं हमारे और भी मंजूर नज़र।